Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास लेखन के इस लेक्चर में वैकल्पिक इतिहास के एक अहम स्रोत, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मौखिक इतिहास के बारे में बातें करेंगे और इससे जुड़ी हुई जो इतिहास लेखन है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं भारत में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स से हम लोग यह चर्चा करते आ रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद खासकर 1970 और 1980 के दशक में इतिहास में मीमांसात्मक स्तर पर बहुत परिवर्तन हुए। एपिस्टेमिक जो चेंजेस कह सकते हैं, इंटरवेंशंस कह सकते हैं, और चेंजेस जब कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, तो ये कोई एक इतिहास की किताब के आ जाने से, एक अध्ययन के आ जाने से नहीं होता है, एक या दो साल या पाँच साल में नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया है, बहुत धीमी प्रक्रिया है। लेकिन जब आज हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में खड़े होकर पुनरावलोकन करते हैं तो कई धाराएं हमारे सामने उभर कर आती हैं और इन धाराओं को फिर हम इन पर रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी समझ बनाते हैं। और उस संदर्भ में जो हस्तक्षेप हमारे सामने आते हैं उसके अर्थ हम उसकी प्रभाव का आकलन करते हैं। और ये आकलन करना, ये विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक जो मेरा जोर है, जिस पर मैं इम्फेसिस दे रहा हूँ इस पूरे लेक्चर सीरीज में, वह महत्वपूर्ण है। वह इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि बहुत समय तक या आज भी अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि बौद्धिक और अकादमिक जगत दो ध्रुवों में विभक्त है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ अर्थात विकसित देश, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के देश, और वहाँ होने वाले बौद्धिक अकादमिक चर्चा बहस, वहाँ का व्यवहार, वहाँ जो ज्ञान का उत्पादन हो रहा है। और साउथ दक्षिण अर्थात पिछड़ा और विकासशील देश और इसका बौद्धिक विमर्श। तो अक्सर इस बहस में यह आरोप लगाया जाता है कि, और जो बहुत हद तक सही भी है, कि सिद्धांत उत्तर से आते हैं, संकल्पनात्मक जो अभिवृत्तियां हैं वो उत्तर से आती हैं, विकसित देशों से आती हैं, और औपनिवेशिक जो समाज, जो कभी औपनिवेशिक था, वहाँ से महज जानकारियाँ जाती हैं, सूचनाएँ जाती हैं। तो ये जो सूचना और उसकी व्याख्या के बीच का जो विभेद है, हमें उस पर सायास सोचना होगा और उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। इसलिए भी यह जरूरी है कि जब हम दक्षिणी गोलार्ध के समाज, जैसे कि हम लोग भारत के आधुनिक भारत के समाज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं यहाँ, तो वहाँ के इतिहास को हम व्याख्यायित करने का प्रयास करें। महज हम
जानकारियां और सूचनाएं इकट्ठा न करें। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि हम उत्तर के जो सैद्धांतिक और संकल्पनात्मक पहलू हैं, वहाँ जो काम हो रहा है, वहाँ जो हस्तक्षेप है, उसके प्रति आँख मूंद कर बैठ जाएं। क्योंकि बौद्धिक विमर्श यदि असंपृक्त तरीके से उभर कर आएगा तो उसमें फिर अंतर्दृष्टियाँ नहीं रहेंगी, वह अंधकार की ओर ले जाएगा। इसीलिए आइसोलेशन से बचना है, उत्तर से आ रही संकल्पना को खारिज कर देने से बचना है। लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये देखें कि हम वहाँ से किस तरह की अंतर्दृष्टियाँ ले रहे हैं, अपने देश के, अपने समाज की विशेषताओं को समझने के लिए, इस इतिहास की विशेषताओं को समझने के लिए, और इतिहास की जो हमारी समझ है उसकी सीमाओं के विस्तार के लिए। तो आदान प्रदान संकल्पना के स्तर पर भी, व्याख्या के स्तर पर भी, और सूचना के स्तर पर भी, तथ्य के स्तर पर भी, सभी स्तरों पर होना चाहिए। लेकिन हमें खुद सेल्फ कॉन्शस होना होगा, और इस कारण से जो व्याख्यात्मक जो विमर्श है, व्याख्यात्मक इतिहास है, एनालिटिकल इंटरप्रिटेटिव, उसकी तरफ, कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री, उसकी तरफ मैं यहाँ खास तौर से ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस छोटी सी भूमिका के बाद हम जब ओरल हिस्ट्री की तरफ रुख करते हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 1970-1980 के दशक में खास तौर से इसके तरफ ध्यान गया और महत्वपूर्ण बदलाव आए। शुरू में मैं कहूँगा कि जैसा कि इतिहासकार इंदिरा चौधरी ने भी लिखा है, वे भारत के इतिहास में ओरल हिस्ट्री वैकल्पिक स्रोत के रूप में ओरल हिस्ट्री के चार चरण देखती हैं। पहला, और ये भारत के ही संदर्भ में उनका आकलन नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर उनका आकलन है, जिसके कुछ कुछ जिसकी प्रतिध्वनियाँ भारत के इतिहास लेखन हिस्टोरियोग्राफी में भी हम देखते हैं। लेकिन वैश्विक दृष्टि से देखें तो वे बताती हैं कि पहला चरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हम पाते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, खास तौर से होलोकॉस्ट के जो विडम्बनापूर्ण, अति भयंकर जो अनुभव रहे, पीड़ा के, यातना के, हिंसा के, उन कंसंट्रेशन कैंप्स के अनुभव को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और द्वितीय विश्व युद्ध के से जुड़े हुए अनेक अनुभवों को दर्ज करने के लिए ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास, साक्षात्कार पर आधारित इतिहास को एक मुकम्मल इतिहास की विधा के रूप में मान्यता मिलनी शुरू हुई। ये पहला फेज था। दूसरे फेज में वो बताती हैं कि ये जो रुझान शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, वह अब थोड़े मैच्योर तरीके से सामने आने लगा, और अब दूसरे फेज में स्मृतियों की बात, स्मृतियों की संश्लिष्टताओं की बात, जो स्मृति हम मौखिक इतिहास के द्वारा दर्ज करते हैं, उसको कैसे व्याख्यायित किया जाए, क्या वह व्यक्तिगत स्मृति है, यदि वह कलेक्टिव मेमोरी है, महज किसी एक खास व्यक्ति का मसला नहीं है, भले ही उस खास व्यक्ति से साक्षात्कार के द्वारा हम इस मेमोरी, इस स्मृति क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो ये जो कलेक्टिव मेमोरी होगा, इसका क्या स्वरूप होगा,
इसकी पेचीदगियाँ क्या होगी, इन सब तमाम तरह के विषय से इतिहासकार जूझने लगे थे। मैं यदि इंदिरा चौधरी की बात में अपनी बात मिलाऊं तो यह दूसरा जो फेज था, यहाँ ओरल हिस्ट्री और फोक हिस्ट्री जिसे कह सकते हैं, उसके भी कई ओवरलैप्स हमें देखने को मिलते हैं, जिस पर हम आगे और भी बात करेंगे। जो दूसरा फेज है, यह जो फेज है, इसमें कहीं न कहीं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे से इतिहास को देखने की जो कवायद पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, जिस पर अलग से सामाजिक इतिहास पर जब हम चर्चा कर रहे हैं उस लेक्चर में आप देखेंगे, तो इस दूसरे फेज में ओरल हिस्ट्री मुख्य रूप से हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के उद्देश्यों को, उसके सरोकारों को एड्रेस करता हुआ हमारे सामने आता है। इसके साथ साथ तीसरा फेज, और ये जो दूसरा फेज है वे बताती हैं कि यहाँ इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या की बात कही मैंने किसी और संदर्भ में, उस इंटरप्रिटेशन, उस कैसे किसी साक्षात्कार को, मौखिक इतिहास को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, विश्लेषित किया जाए, ये सब तमाम मुद्दे विमर्श के आग के फोरफ्रंट में रहे। तीसरा फेज वो बताती हैं कि यहाँ मौखिक इतिहास तथ्यों के विश्लेषण, उनकी प्रमाणिकता से परे जाकर कुछ दूसरे किस्म के पेचीदे सवाल, जो सब्जेक्टिविटीज़ को लेकर उठाने शुरू किए, और ये सब्जेक्टिविटीज़ का मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अब इतिहास में एजेंसीज़ की बात, निम्न वर्ग के लोगों के अपने वजूद, अपनी अस्मिता का सवाल, उनके परसेप्शंस, वो क्या सोचते हैं आदि महत्वपूर्ण हो गए, और इनको समझने के लिए मौखिक इतिहास एक कारगर माध्यम बना, जिस सब्जेक्टिविटीज़ को लिखित दस्तावेजों के द्वारा नहीं पाया जा सकता था, उस जगह, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए मौखिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने आने लगा इस तीसरे फेज में। तो सब्जेक्टिविटीज़ और आइडेंटिटी, अस्मिता, ये दो अहम मसला इस तीसरे फेज में रहे। और चौथा फेज वे बताती हैं, जो अभी समकालीन जो चरण है, रफली आप कह सकते हैं कि दो दशकों का यह चरण, पिछले दो दशकों में जिस तरह से इंटरनेट, या बृहत्तर रूप से कहें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से मौखिक इतिहास के प्रसारण, इनके रिकॉर्ड के रखरखाव आदि में जिस तरह से बदलाव आया, तकनीकीगत जो पहलू आए, और उससे जो पेचीदगियाँ, उससे जो चुनौतियाँ, और उससे जो नई संभावनाएँ खुली, यह वह चरण है। लेकिन इसने, ये जो नई चुनौतियाँ, नई संभावनाएँ आई, इसने कई अहम सवाल भी खड़ा किए, और ये मेथोडोलॉजिकल सवाल, क्योंकि यहाँ अब जब हम मौखिक इतिहास की बात कर रहे हैं तो उसके साथ मल्टीमीडिया
तकनीकी आ गई है वह निश्चित रूप से जुड़ गई है आवश्यक रूप से। तो किस तरह से यहाँ फॉर्म को लेकर और फॉर्म जो मौखिक इतिहास का है और उसमें जो तकनीकी उसके पहलू हैं उनको लेकर जो पेचीदगियाँ हैं, तो ये चार चरण में वे वैश्विक स्तर पर बात करती हैं मौखिक इतिहास की। मेरा मानना है कि यदि हम इन चार चरणों को अपने जेहन में रखते हुए देखें और वैश्विक स्तर पर भी लेकिन ख़ास तौर से भारत के स्तर पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो दो अहम चरण हमारे सामने आते हैं। पहला चरण जब मौखिक इतिहास को औपनिवेशिक आर्काइव के एडिशन के तौर पर देखा जाता था, अर्थात औपनिवेशिक आर्काइव में जो कुछ नहीं था सरकारी दस्तावेजों में जो कमियां रहीं उन कमियों को दूर करने के लिए वहाँ कुछ और नई किस्म की सामग्री को जोड़ने के लिए मौखिक इतिहास की तरफ इतिहासकारों ने और संस्थाओं ने रास्ता अख्तियार किया। तो यहाँ एडिशन का मामला अधिक था, ये पहला चरण मैं मानता हूँ। और दूसरा चरण जब मौखिक इतिहासकार और उनके हस्तक्षेप कुछ अधिक परिपक्व रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, खासकर 1980 के दशक के मध्य से या 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से, इस परिपक्व चरण में भारत की बात यदि मैं करूं तो यहाँ मौखिक इतिहास को महज सरकारी दस्तावेजों के एडिशन के सप्लीमेंट की तरह नहीं देखा जाने लगा। अब यहाँ ये जो फील्ड में साक्षात्कार के द्वारा जो मौखिक इतिहास इकट्ठा किया जा रहा था वह जो सरकारी आर्काइव सरकारी दस्तावेजों से आधारित जो इतिहास था औपनिवेशिक आर्काइव था उस पर नए किस्म के सवालिया निशान उठाने शुरू किए, उनको सप्लीमेंट करने के बजाय ओरल हिस्ट्री अब उनको कॉम्प्लिकेट उनकी प्रति जो समझ थी उसको अधिक सूक्ष्मता के साथ उसको एक आलोचनात्मक दृष्टि से उसकी कमियों को उजागर करने लगा था। तो ये जो दो चरण हैं ये मेरे लिए इस तरह से देखने से आप भारत के संदर्भ में जो मौखिक इतिहास के प्रति हस्तक्षेप हुए उनको एक नज़रिए से देखा जा सकता है, इस नज़रिए से भी। अब यहाँ मैं भारतीय इतिहास के संदर्भों में आने से पहले एक और सुझाव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दो महत्वपूर्ण शोध कार्य किताबें हैं, दो महत्वपूर्ण ओरल हिस्टोरियन हैं वैश्विक स्तर पर जिनका मैं
यहाँ जिक्र भर करना चाहूँगा, अधिक चर्चा संभव नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश्य भारतीय इतिहास लेखन की तरफ है, केंद्रित है, लेकिन मैं उनका जिक्र भर करना चाहूँगा और आपसे अनुरोध है कि आप उनकी किताब को पढ़ें, जिससे कि आपको वैश्विक स्तर पर किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या सरोकार रहे हैं ओरल हिस्ट्री के, उसको समझने में अधिक मदद मिलेगी। और पहला जो इतिहासकार है वे, उनका नाम है लुइसा पासरिनी। इन्होंने फासीवाद के ऊपर काम किया है। इनके किताब का नाम फासिज्म इन पॉपुलर मेमोरी द कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिन, जो इटली में है, टूरिन वर्किंग क्लास। मैं एक बार नाम फिर से दोहरा देता हूँ, लुइसा पासरिनी, PASSERINI। ये बताते हैं कि मौखिक इतिहास मौखिक साक्षात्कार पर जो आधारित होता है वह कल्चरल फॉर्म जो समाज का है उसका एक दस्तावेज है, ए रिकॉर्ड ऑफ कल्चरल फॉर्म। इसके क्या मायने हुए? तो एक तो यह कि जो मौखिक इतिहास है, मौखिक जो साक्षात्कार हैं, वह महज उसे आप साइकोलॉजिकल आर्टिफैक्ट की तरह, रिस्पॉन्स की तरह नहीं देखना चाहिए। यह दरअसल स्मृति का वह रूप है जो समाज में सर्कुलेट हो रहे स्टोरी लाइन्स, कहानियाँ, जनश्रुतियाँ, इन सब पर निर्भर करता है। जब कोई आदमी साक्षात्कार में बातें कह रहा होता है तो दरअसल वह उसका जो स्वरूप है, उसके कहने का स्वरूप, वह अपने आसपास के कथाओं को जो उन्होंने उसने सुन रखा है, जिसमें मुहावरे हो सकते हैं, जिसमें जोक्स हो सकते हैं, सेटायर हो सकते हैं, ह्यूमर हो सकता है, किसी नेता का स्पीच हो सकता है, इस सभी के बृहत्तर थाती से वह जुड़ा होता है उसका साक्षात्कार का कंटेंट। इस बृहत्तर जो सरोकार हैं, जो तानावाना है, जो टेक्सचर है, उससे अलग कर आप मौखिक इतिहास को, साक्षात्कार को नहीं देख सकते। इसलिए जब भी आप मौखिक इतिहास की बात करेंगे तो यस, जो व्यक्ति यह साक्षात्कार दे रहा है और यह जो उसका व्यापक जो उसके तानावाना है, जिस समाज उसका जो दायरा है, इस दोनों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। और इस कारण से वे इसे एक कल्चरल फॉर्म की तरह देखते हैं जिसमें एक कलेक्टिविटी की बात है।
और इस कारण से वे बताते हैं कि यह एक खिड़की है कलेक्टिव थॉट प्रोसेस का। दूसरी अहम बात जो वे बताते हैं कि मौखिक साक्षात्कार, मौखिक इतिहास के अपने साइलेंसेस होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, अपूर्णता होती है, कमियां होती हैं, और ये वे इन कमियों, इन साइलेंसेस को ये वे अनुभव हैं जो ये जो हम दायरा, किसी आदमी के दायरा की बात करते हैं, कलेक्टिव मेमोरी की बात करते हैं, उस कलेक्टिव मेमोरी में, उस स्फीयर में जो सूचनाएं हैं, जो बातें हैं, उनको कहीं न कहीं जो आदमी साक्षात्कार दे रहा है उनको पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर पाया, और ये जो अनरिजॉल्व है, इस अनरिजॉल्व्ड एस्पेक्ट्स के कारण हम मौखिक इतिहास में कमियां, साक्षात्कार के साइलेंसेस आदि पाते हैं। और ये जो अनरिजॉल्व्ड एस्पेक्ट है, इस कारण से ये जो साइलेंसेस हैं, ये जो फ्रैक्चर्स हैं ओरल टेस्टिमनीज में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक इतिहास लेखन के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण जो हस्तक्षेप मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, उनका नाम है एलेजांद्रो पोर्टेली, PORTELLI। और ये बताते हैं कि हमें जब मौखिक इतिहास की तरफ कदम बढ़ाना है तो यहाँ ये अनिवार्यतः, और इस बात को अनेक और भी विद्वानों ने रेखांकित किया है, कोई भी मौखिक दस्तावेज दरअसल साक्षात्कारकर्ता और उसके रिस्पोंडेंट दोनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है। दोनों की सब्जेक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं, और इसलिए जब हम ओरल टेस्टिमनी की बात करें तो वहाँ यह जरूरी हो जाता है कि हम साक्षात्कारकर्ता के फिगर पर भी उतना ही ध्यान दें जितना हम रिस्पोंडेंट की तरफ देते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जो पोर्टेली बताती हैं कि मौखिक इतिहास को लेकर जो तमाम किस्म के बायसेस पूर्वाग्रह रहे, जिनमें जो इतिहास के स्थापित हलकों में इन्हें उतनी गंभीरता के साथ मौखिक इतिहास को नहीं लिया गया है, उसका कारण दरअसल इसे कम प्रमाणिक या इसे अभी भी सप्लीमेंट्री रोल में देखा जाता है। उसका कारण पोर्टेली बताती हैं कि दरअसल जो लिखित राइटिंग, लिखित दस्तावेज राइटिंग, इसका जो प्रभाव या हमारे जेहन में, हमारे जो बौद्धिक जो पर्सनैलिटी है, जो अकादमिक पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर इतना हावी है ये रिटन वर्ड्स की सत्ता, कि हम दरअसल अन्य दूसरे किस्म के जो
मौखिक इतिहास है उसको, मौखिक जो ओरल वर्ड्स हैं उस पर हम अधिक तवज्जो ही नहीं दे पाते। और इसके कारण यह भी होता है कि हम न तो लिखित शब्द की संश्लिष्टता को समझ पाते हैं, क्योंकि जो कुछ लिखित है वह कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में तो मौखिक रहा होगा, और न ही हम मौखिक जो संसार है उसकी पेचीदगियों को ही समझ पाते हैं। और इस कारण इसका एक नतीजा यह होता है कि या तो हम मौखिक इतिहास को अंडरमाइन करने लगते हैं, या फिर उनको हम ओवर वैल्यू करते हैं, मतलब हमारा आकलन सम्यक नहीं रह जाता। तो ये दो हस्तक्षेप का मैं जिक्र करते हुए, जाहिर सी बात है कि समय इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम विस्तार में जाएं, हम भारत के इतिहास के फलक पर लौटते हैं। यहाँ यूं तो आप देखें तो इसकी शुरुआत साहित्यकारों के द्वारा 1957 में ही हम पाते हैं, जब हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार अमृतलाल नागर ने 1857 के ऊपर गदर के फूल लिखे, और उसके लिए उन्होंने मौखिक इतिहास का सहारा लिया। फिर उनकी किताब ये कोठे बालियां आई, वहाँ भी उन्होंने मौखिक इतिहास का सहारा लिया, मौखिक इतिहास की जो पद्धतियाँ हैं। उससे पहले भी जो फोक मेमोरी को लेकर नदी से जुड़े हुए जो गीत कथाएं, इनके ऊपर खासकर कोसी नदी, बिहार के कोसी नदी से जुड़े हुए गीतों का संग्रह किया गया, उनका प्रकाशन हुआ 1942-44 के आसपास। तो ये कुछ छिटपुट उदाहरण हमारे सामने आते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो एकेडमिक डिस्कोर्स कह सकते हैं, अनुशासनात्मक एक रिगर के साथ, तो वह और खासकर संस्थानात्मक जो हस्तक्षेप वह हम पाते हैं जब दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी ने फ्रीडम स्ट्रगल, भारत में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर एक बड़ा मौखिक इतिहास का प्रोजेक्ट शुरू किया, और स्वतंत्रता सेनानियों से साक्षात्कार पर आधारित यह अध्ययन, या जिससे एक बड़ा रिपोजिटरी, एक संग्रह तैयार हुआ। और उसकी अहमियत इसलिए भी जान पड़ी क्योंकि जिस समय यह अध्ययन आकार ले रहा था उस समय महसूस किया गया कि बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी की जो पीढ़ी थी वो धीरे धीरे उस पीढ़ी का अंत हो रहा था, तो उसकी स्मृतियों, उसकी भागीदारी को संजो कर रखा जाए राष्ट्र के एक थाती की तरह, और इस तरह से वह अध्ययन शुरू हुआ। एक और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप
जहां तेलंगाना के पीपुल्स स्ट्रगल के ऊपर इतिहासकार ललिता और उनके सहयोगियों के द्वारा वी वेयर मेकिंग हिस्ट्री नामक पुस्तक आई, जो पूर्णतः मौखिक इतिहास पर आधारित थी और भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्थान इस अध्ययन का हम देख सकते हैं यदि हम मौखिक इतिहास की बात करें, जिसने एक अहम जन आंदोलन के संबंध में एक नया आर्काइव तैयार किया। फिर बाद में इसी तरह कविता पंजाबी ने तेभागा आंदोलन पर काम किया, एक नए आर्काइव की को हम अपने समक्ष पाते हैं। और इन सब से जन आंदोलन के बारे में तो हमारी समझ में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ ही, लेकिन साथ साथ महिलाओं के इतिहास के बारे में भी कई नए पहलू सामने आए। और इस दिशा में 1988 में सीएस लक्ष्मी के नेतृत्व में स्पैरो साउंड एंड पिक्चर आर्काइव्स फॉर रिसर्च ऑन वुमेन का जिक्र करना उल्लेखनीय बन जाता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से मौखिक इतिहास को एक नई संश्लिष्टता, एक नया रिचनेस, एक नया तेवर मिला, जब विभाजन के इतिहासकारों ने इस विधा का सहारा लिया और ख़ास तौर से लोगों के दुख दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी स्मृतियों को समझने के लिए। इस पर बहुत विस्तार से हम विभाजन के ऊपर केंद्रित लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत अधिक मैं नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे रेखांकित करने की ज़रूरत है, कि यहाँ अब महज लिखित आर्काइव, लिखित दस्तावेजों को में कुछ एडिशन करने की बात नहीं है। जब ये इतिहासकार विभाजन की पीड़ा, उस हिंसा के इतिहास को मौखिक साक्षात्कारों के आधार पर लिख रहे हैं, तो वे औपनिवेशिक आर्काइव लिखित दस्तावेजों की कमियों को की तरफ इशारा कर रहे हैं। वे ये बता रहे हैं कि किस तरह से लिखित दस्तावेजों में आम आदमी की जिंदगी, उसकी पीड़ा, उसकी सब्जेक्टिविटीज़, उसके अनुभव नहीं हैं, जिसको तलाशने के लिए, जिसको अपने व्याख्या के दायरे में लाने के लिए मौखिक इतिहास बहुत कारगर औजार की तरह हो सकता है। लेकिन साथ साथ इन शोधकर्ताओं ने इसे महज एक टूल की तरह नहीं देखा, इसके जो मेथड की तरह देखा, एक फील्ड की तरह देखा, और इसके जो मेथोडोलॉजिकल जो सरोकार हैं, जो पेचीदगियां हैं, संश्लिष्टताएं हैं, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान खींचा। यहाँ फिर से मैं दोहरा दूं कि तथ्यों की प्रमाणिकता या अप्रमाणिकता का सवाल महज नहीं रह जाता है,
महज सूचनाओं की बात नहीं है, जानकारियों की बात नहीं है। यहाँ उससे आगे जाकर जो कुछ कहा जा रहा है किसी साक्षात्कार में, वह क्यों कहा जा रहा है, जो कुछ छूट गया है वो साइलेंसेस क्यों है, इन सब तमाम तरह के सवाल से इतिहासकार रूबरू हो रहे हैं। एक और क्षेत्र जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा जब हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भी, वह यह कि मौखिक इतिहास और फोक स्टडीज, फोकलोर स्टडीज, इनके बीच भी कई ओवरलैप्स हमें मिलते हैं। खासकर जो लघु परंपराएं रही भारत में, चाहे वे लोक संगीत की बात हो या लोक परफॉर्मेंसेस की बात हो, कहावतों की का संसार हो, लोक गीतों का संसार हो, ये जो बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, और महज विरासत नहीं, ये हमारे समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो फॉर्म्स हैं कल्चरल एक्सप्रेशंस के, इनको और इनका और अतीत के बीच का संबंध, ये किस तरह से बदलती आई हैं समय के साथ, इन सब से जुड़े हुए मुद्दे भी मौखिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो महज पॉलिटिकल हिस्ट्री या सोशल हिस्ट्री की बात नहीं है, सोशल मूवमेंट की बात नहीं है, या इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री की बात नहीं है, यहाँ कल्चरल फॉर्म्स के साथ इंगेजमेंट की भी बात है। और इस दृष्टि से देखें तो रुस्तम भरूचा की किताब जो राजस्थान पर केंद्रित है, राजस्थान एन ओरल हिस्ट्री कन्वर्सेशन विद कोमल कोठारी, यह एक अहम दस्तावेज है। जब हम मौखिक इतिहास की बात कर रहे हैं और ये कल्चरल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, कल्चरल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो फिर से मैं अपनी पहली कही हुई बात को दोहराना चाहूँगा कि मौखिक इतिहास कोई असंपृक्तता में सांस तो लेता नहीं है, वह आइसोलेशन में जीवित नहीं होता, कार्य नहीं करता। तो इसके दूसरे जो फॉर्म्स हैं उनके साथ क्या संबंध है, इस विषय को लेकर पटचित्र जैसे है जो पूर्वी भारत में कई राज्यों में, उड़ीसा, बंगाल, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग कह सकते हैं आप, जहां चित्र दिखाकर लोक चित्र कला के माध्यम से कहानी कही जाती है। तो ये जो एक तरफ विजुअल है, दृश्य की बात है, चित्र की बात है, पेंटिंग की बात है, और दूसरी तरफ कहानी कहने की बात है, इन दोनों के बीच के जो संबंध, एक मौखिक है, दूसरा चित्र है, इसको लेकर काम हुए हैं। कई समाजशास्त्री और इतिहासकारों ने भी काम किए, शब्द और चित्र, बोले गए शब्द और चित्र के बीच के तार को लेकर।
तो इस तरह से मौखिक इतिहास सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो रूप है सांस्कृतिक जीवन, उसके साथ संवाद करते हुए हमारे सामने आता है। लेकिन कमोबेश यदि सार के रूप में कहें तो दरअसल भारत के इतिहासकारों ने मौखिक इतिहास का सहारा उस समाज के इतिहास को लिखने में किया है जो बड़े पैमाने पर साक्षरता से वंचित समाज है। और भारतीय संदर्भों में यह एक व्यापक क्षेत्र है, व्यापक जनसंख्या की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, साक्षरता दर यहाँ बहुत कम रही। तो यहाँ श्रमिक वर्ग है, यहाँ समाज का सबसे निचला तबका है, यहाँ कृषक समुदाय और उसकी भागीदारी की बात है। खासकर श्रमिक इतिहास को लेकर, महिलाओं के श्रमिक इतिहास को लेकर, ओरल हिस्ट्री में बहुत मदद, ओरल हिस्ट्री से बहुत मदद मिली इस सामाजिक इतिहास को समझने की। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक इतिहास, श्रमिक इतिहास एक लंबे समय तक आर्थिक इतिहास का हिस्सा रहा, मौखिक इतिहास के कारण उसके सामाजिक सरोकार अधिक शार्पली फोरग्राउंडेड हो पाए, आर्टिकुलेट हो पाए। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका उदाहरण देकर मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा, वह है हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी। इस लेक्चर श्रृंखला में अन्य जगहों पर भी हमने इसकी बात की और यहाँ एक बार फिर से दोहराए जाने की ज़रूरत है कि इतिहासकार शाहिद अमीन ने चौरी चौरा नामक घटना के इतिहास और उसके अनेक तहों, उसकी संश्लिष्टता को समझने के लिए खास तौर से जो उपाश्रित चेतना जो चौरी चौरा की घटना के दोषी पाए गए, उनके परिवार वालों से बात कर दोषी करार दिए, अभियुक्तों की विधवा से बात कर उनके नज़रिए से चौरी चौरा जैसे महत्वपूर्ण घटना को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसका इतिहास लिखना, यह काम शाहिद अमीन ने अपनी पुस्तक चौरी चौरा में की, इवेंट मेमोरी मेटाफर चौरी चौरा 1922 से 1992 इस किताब में की, जो भारतीय इतिहास लेखन में एक क्लासिक का दर्जा पाता है। लेकिन जैसा कि वे बताते हैं, उनकी इस किताब से भी ये जाहिर होता है, और मौखिक इतिहासकार, अन्य मौखिक इतिहासकारों ने भी जिस तरफ हमारा ध्यान खींचा है, जो पोर्टली भी बताते हैं, जब मैं उनका जिक्र कर रहा था पहले, कि हम जब मौखिक इतिहास की बात करते हैं तो यह आर्काइव
या वैकल्पिक आर्काइव, यह तभी अर्थपूर्ण बनेगा जब हम इतिहास के दूसरे स्रोतों को साथ रखकर बात करें। तो जब मौखिक इतिहास लिखा जाए तो लिखित दस्तावेजों को नज़रअंदाज नहीं की जाए। जब मौखिक इतिहास लिखा जाए तो स्थानीय जो आर्काइव हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और यह मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मौखिक इतिहास स्थानीय इतिहास लोकल हिस्ट्री या क्षेत्रीय इतिहास रीजनल हिस्ट्री के हमारे समझ को समृद्ध करने का एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत सशक्त माध्यम है, हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बुद्धिजीवी इस तरह से प्रयास करते भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब भी संभावनाएं अपार हैं। एक औपनिवेशिक समाज के इतिहास लेखन में मौखिक इतिहास की जो भूमिका होनी चाहिए, मेरा मानना है, व्यक्तिगत ये मेरा मत है, कि भारत में मौखिक इतिहास के उन संभावनाओं को आज भी उनको कार्यान्वित करने, उनको अचीव करने की ज़रूरत है। आज भी कॉलोनियल आर्काइव हमारे इतिहास लेखन के केंद्र में है और इसके पीछे वही पूर्वाग्रह है जो लिखित दस्तावेजों को लेकर, रिटेन वर्ड्स को लेकर जो पोर्टेली के सरोकार रहे, जो मैंने शुरू में जिक्र किया, जिसका भारतीय संदर्भ में भी यदि बात करें तो जो कागज की महिमा, जो रिटेन रिकॉर्ड दस्तावेज, कागज पर जो लिखा हुआ करता था वह बाय डिफॉल्ट प्रमाणिकता अख्तियार कर लेता था, खासकर उस समाज के तबके में जो साक्षर नहीं था, क्योंकि उसके लिए, उस तबके के लिए जो पढ़ना नहीं जानता था, क्या लिखा है यह महत्वपूर्ण नहीं था, कागज है और लिखित कागज है, लिखित कागज अर्थात सरकारी अध्यादेश, और वह अपने आप में एक प्रमाणिक दस्तावेज हो जाता था। तो यह जो एक साइकोलॉजिकल और एक हिस्टोरिकल जो हमारे जेहन में रिटेन वर्ड को लेकर जो छाप, अमिट छाप पड़ी हुई है, हमें उसे प्रश्नांकित करना होगा। लेकिन यहाँ एक और भी स्तर पर हमें ध्यान देना होगा, जिसकी तरफ इतिहासकारों ने हस्तक्षेप किया, और वह यह कि ये जो ओरल स्फीयर है और जो रिटेन बहुत सी बातें, रिटेन कहने का मतलब, लिखित कहने का मतलब यहाँ प्रिंट जगत से है मेरा। जब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में
बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, जानकारियाँ, जो फोक मेमोरी, वो जब प्रिंट संस्कृति का हिस्सा बनने लगा तो वह जो ओरल वर्ल्ड था वह किस तरह से प्रिंटेड वर्ड में ट्रांसलेट हो रहा है, इस आवाजाही को, इस ट्रैफिक को कैसे देखा जाए, यह यदि आप एक तरह से कहें तो ओरल हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ओरल हिस्ट्री अक्सर मेथोडोलॉजिकल इंटरवेंशन को फोरग्राउंड करता है, सोर्सेस को फोरग्राउंड करता है, ओरल सोर्सेस। लेकिन ये भी मौखिक इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि ओरल वर्ल्ड से जो प्रिंटेड वर्ल्ड का ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांसलेशन है, ये एक सतत प्रक्रिया है। यह महज 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात नहीं है, यह आज भी कई स्तरों पर हो रहा है। तो जिसे अधिक सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करने की ज़रूरत है, इसके बारीकियों को, और इस ओरल और प्रिंटेड वर्ल्ड के संबंध से ओरल हिस्ट्री को क्या कुछ नया प्रश्न मिल सकता है, यह भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि फोक सेइंग्स, कहावतें, लोकगीत, ये आज भी जनमानस में उतनी ही सशक्त भूमिका अदा करती है जितनी ये 19वीं सदी में कर रही थी। आज भी माइग्रेंट संस्कृति में इसकी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब हम समकालीन इतिहास लिखें तो उस समय किस तरह से यह जो फोक मेमोरी है और इसका जो ओरल वर्ल्ड है, वह किस तरह से दूसरे माध्यमों, सिनेमा के गीत या म्यूज़िक वीडियोस, उनके साथ इनका क्या संबंध है, और यह इतिहास कैसे हो सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। पीटर मैनुअल ने कैसेट कल्चर लिखा, या फिर अप्रवासी भारतीय समाज के संदर्भ में वहाँ के संगीत को लेकर काम किया है, जहाँ ये अलग अलग जो विधाएं हैं वो एक साथ हमारे सामने आ रही हैं। तो ये जो मल्टीमीडिया डिस्कोर्स है, म्यूज़िक का डिस्कोर्स है, तेजस्विनी निरंजना ने काम किया है चटनी म्यूज़िक को लेकर, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी आदि में जो संगीत का एक खास स्वरूप चटनी म्यूज़िक कहा जाता है उसको लेकर। और ये हमें किस तरह से इतिहास की समझ को विकसित कर सकते हैं। तो ये जो गिरमिटिया डायस्पोरा का हिस्ट्री है, उसका कल्चर है, उसे समझने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होता आया है, और इस तरह की संभावनाएं और भी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो ये कुछ चंद महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनके जरिए हमने आज भारतीय संदर्भ में ओरल हिस्ट्री की बदलती हुई प्रवृत्तियाँ
इसके अलग अलग क्षेत्रों में इसके हस्तक्षेप का जिक्र किया और इस सब ने मिलकर न मात्र राजनीतिक इतिहास को लेकर हमारी समझ में इजाफा किया बल्कि संवेदना के स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में भी नए नए विषय से हमें अवगत कराया है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम मौखिक इतिहास की बात करते हैं तो हम हमेशा उस स्मृति की बात करते हैं जो न तो पूरी तरह अतीत है और न ही पूरी तरह यह वर्तमान है। स्मृति में स्मृति के माध्यम से अतीत वर्तमान में यात्रा करता है। अतीत और वर्तमान की सीमा रेखा छीन पड़ती जाती है और यह जो पोरस बाउंड्री है, यह सीमाओं के टूटने की जो दास्तान है, यह हमें इतिहास के प्रति भी अधिक मानवीय बनाता है। क्योंकि हमेशा जब कोई साक्षात्कार दे रहा होता है तो एक व्यक्ति बात कर रहा होता है और दूसरा उसकी बात सुन रहा होता है। जो बात सुन रहा है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इतिहास में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो बात कह रहा है, जो मौखिक इतिहास का वाहक है, वह तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। इसी के साथ मैं यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ। हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।